नमस्कार। आज दोनों दोस्तों के साथ एक बहुत ही सुंदर जगह सिंगलीला फॉरेस्ट के नीचे बसा हुआ सुंदर शांत गांव ये साइलेंट वैली जा रहे हैं। यक्सो होम स्टे से पहले बाइक में चलेंगे, उसके बाद बाइक को किसी के घर में छोड़ के पैदल चलेंगे। देखते हैं आज का ट्रिप कैसा होगा दोस्तों। तिन भाइ यक्सो होमस्टेदेखि समानदेन जाने कार्यक्रममा एकदम रफ्तारको साथमा बढिरहेको छु। जाँदैछौँ, कता पुगिन्छ? यो बाटो रिम्बिकसम्म यस्तो छ, राम्रै छ। पहिला थियो एकछिन मात्रै, दामी हेर्नु। एकदम शान्तिको जग्गा है यहाँनिर। श्री खोला पुगियो, अब यसमा चाहिँ उभिएर मजाको फोटो खिच्ने भन्दैछ। फोटो खिचिदिनुपर्छ साथीहरूको। बिजनबारी क्षेत्रको सुदूर क्षेत्र माथि गोर्खे समानदेन आज एकदमै फगी लागिरहेको छ। तिन भाइ हिँडेर करण प्रेम म तिन भाइ एक रात होल्ड गर्ने गरी जाँदैछौँ। तपाईँहरूलाई यो सानो दृश्य, यो जङ्गलको एकदमै राम्रो दृश्य देखाइरहेको छु। ओह्रालो यहाँदेखि तल झरेर खोला पुग्नुपर्छ सर। यहाँदेखि खोला पुगेर खोलादेखि फेरि उकालो चढ्नुपर्ने हुन्छ। म तपाईँहरूलाई बिचबिचको यो दृश्यहरू देखाउँदै जान्छु। एकदमै राम्रो जग्गा यो, के अरे गोर्खे समानदेनलाई त के पनि भन्छ, साइलेन्ट भ्याली, साइलेन्ट भ्याली पनि भन्दो रहेछ आजकल। एकदमै पिसफुल जग्गा छ, त्यसमा लगेर त्यहाँको पनि म तपाईँहरूलाई अवलोकन गराउँछु। यही क्षेत्रहरूमा हामी हाम्रो होमस्टेको, यक्सो होमस्टेको गेस्टहरूलाई घुमाउने हाम्रो योजना पनि छ। यो एकदमै सफा पानी, यहाँदेखि अब उकालो जाँदाखेरि गोर्खे समानदेन पुग्छ। ये साफ क्लियर वाटर, ये बिजनबारी ब्लक का सबसे दूर का ये स्थान जगह है गोर्खे समानदेन, जो साइलेंट वैली के नाम से भी जाना जाता है। अब हम इससे ऊपर जाएंगे तो गोर्खे समानदेन तक जाएंगे। वहाँ से आगे चाइना बॉर्डर और सिक्किम का बॉर्डर है। ये देखिए, ये बहुत अच्छा पानी, नेचुरल वाटर, नेचुरल प्युरिफाइड वाटर भी बोल सकते। यसलाई एकदमै स्वच्छ पानी भन्न सकिन्छ। खोला एकदमै दामी, यो प्योरली नेचुरल वाटर, बहुत अच्छा यो वाटर। इससे बढिया इस क्षेत्र में देखने को नहीं मिलेगा। यही वाटर शुद्ध वाटर है, मेरा दोस्त जो दोनों नेचुरल पानी पी रहे।
मैंने पहले भी बोला था आप लोगों को, हमारा ये यक्षो होमस्टे जो है, यक्षो होमस्टे से यहाँ तक भी हम लेके आएंगे घूमने के लिए। अगर आप लोग चाहें तो बहुत अच्छा जगह है। ये चीड़ का पेड़ बहुत बड़ा गिरा हुआ है। अभी हम गोर्खे समंदन पहुंच गए। यहाँ के ऊपर के नज़ारा आपको हम दिखाएंगे। बहुत अच्छा ऊपर से ये ओला गिरने वाला है। हेल स्टोन का शुरू हो गया। बहुत ठंडा है, फिर भी हम लोग जा रहे हैं। देखिए बहुत बड़ा बड़ा ये चीड़ का पेड़ आप लोगों को दिख रहा है, लेकिन ऐसा फील हो रहा है ये संसार का ही दूसरा पार्ट में हम लोग पहुंच गए। ऐसा फील हो रहा है, बहुत शांति। देखिए ये बहुत अच्छा नज़ारा, गीत गुनगुनाने का मन हो रहा है। मुझे उतना तो आता नहीं, फिर भी एक गीत गुनगुना रहा हूँ आप लोगों के लिए। उनसे नजरे क्या मिली, रोशन फिजाए हो गई। उस वालों को खबर क्या, खामोशी क्या चीज है, इश्क कीजिए और समझिए जिंदगी क्या चीज है। ठीक है, हम ये समंदन पहुंच गए। बहुत अच्छा नज़ारा यहाँ से। ये देखिए, ये है साइलेंट वैली गोर्खे समंदन। आज हम यक्षो होम स्टे में ठहर के दोनों मेरा गेस्ट घूमने के लिए आए हैं गोर्खे समंदन पे। अब हम यहाँ अभी 4 बज गए, यहाँ से रिटर्न हो जाएंगे शायद। वैसे तो रिटर्न होने का इतना ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर भी रहने के लिए होमस्टे वगैरह मिल जाएगा। फिर भी यहाँ से जो रास्ता है, रास्ता बहुत अच्छा है, इसीलिए मेरा ये मित्र हेलो और हमारा ये सुब्बा साहब आगे आगे। अभी यहाँ से हम ये समंदन है, इसके नीचे अब गोर्खे जाएंगे। देखिए ये बहुत अच्छा नज़ारा। जी ये यक्षो होमस्टे में ठहरने के लिए आएगा वो, उन लोगों को हम ये सुंदर नज़ारा का दर्शन कराएंगे।
गोर्खे गोर्खे ये वैली जो दिख रहा है एग्जैक्ट लाइक कश्मीर का जैसा दिख रहा है। देखिए इसके नीचे रामबम रिवर का नज़ारा देख सकते गोर्खे है दामी होइन फोटो आउँदैछ दिदी बोल्दा चाहिँ खोलाबाट ल्याएला है तर त्यस्तो दिन बनाउनु पर्थ्यो।